हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने 31 जुलाई को मयूर विहार 3 में हुई घटना पर भी दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा और न्याय दिलाने की बात कही है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के एलजी से झूठों से भरी हुई एक चिट्ठी जारी की है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है, जिसमें सभी कागजों और तथ्यों को देखकर यह साबित हो गया है कि यह नाला बीजेपी के एलजी के तहत आने वाले डीडीए का है। काफी डीप था, डीडीए के अधीन आता था, डीडीए यहाँ पर निर्माण कर रही थी और इसमें एक 2.5 साल का बच्चा गिर गया था, जिसको बचाने के लिए उसकी 23 वर्षीय माँ भी इसमें कूद पड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों की बहुत ही ट्रेजिक डेथ हो गई और हमारे स्थानीय विधायक एमएलए कुलदीप कुमार जी तुरंत घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे थे। जेसीबी मंगवाई थी, एक्सट्रैक्ट करवाया था दोनों माँ बेटों को, दोनों बेटे और मदर को, और पीड़ित परिवार के साथ जितनी वो सहायता कर सकते थे वो रहे थे और जितनी सहायता कर सकते थे उन्होंने करी। कुलदीप कुमार जी ने ये नहीं सोचा था कि ये नाला डीडीए के अधीन आता है। उन्होंने कोई गंदी राजनीति नहीं की और वो हर संभव प्रयास किए कि वो जितना बन पाए उस पीड़ित परिवार के लिए करें।